आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक्स की न्यू ऐप के माध्यम से आप किस प्रकार से ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्क्रिप्ट्स ऐड कर लेते हैं। तो हम यहां पर 43,300 की एक स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं। यहां पर आपको भी ऑप्शन चेन में जाके इन स्क्रिप्ट को देख लेना है, जो भी जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके, और यदि आपको ऑप्शन चेन देखनी है तो वो हम देखते हैं क्या ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर समरी पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दी गई है, जहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर स्पॉट कहाँ पर चल रहा है और उसके हिसाब से कितनी ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पर कॉल पुट दोनों की दी गई है, ये इस साइड, ये इधर कॉल की है, और आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पुट किया जाती है। तो जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ऐड की है वो ये है कॉल, ठीक है, 43,300, और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं इधर, ये है 60 पैसे। अभी हम इसको बाई और सेल करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि अभी इसकी प्राइस ये चल रही है और आज इसमें कल के हिसाब से कितना चेंजेस आया है। तो इसमें नेगेटिव 75 पैसे का चेंजेस आया है, यानी कि समथिंग 32% का। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी स्पॉट क्या चल रहा है और ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर कितना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ओपन कितने पे हुआ, उसके अलावा इसकी प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, और एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और टुडे आज का लो और आज का हाई यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये क्वान्टिटी है जो लोगों ने अलग अलग प्राइस पर लेने के लिए लगा रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्राइस पर कितनी क्वान्टिटी लगी हुई है। यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो बायर अभी इतने हैं और सेलर इतने हैं, और उसके अलावा यहाँ पर यदि आपको चार्ट देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चार्ट देख सकते हैं। ये चार्ट है, न्यूज़ देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड वो है, ग्रीक्स आप देख सकते हैं कि कितना डेल्टा है, कितना गामा है, कितना थीटा है, ये क्या होते हैं। यदि आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं बाइंग की साइड, तो यहाँ पर हम बाई पे क्लिक करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें बाई करने के 20 रुपये, सेल करने के 20 रुपये, यानी कि 40 रुपये पर ऑर्डर लगते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इंट्राडे के अंदर। तो यहाँ पर हम इंट्राडे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या है हमको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, बाकी आप इसको डिलीवरी में भी रख सकते हैं और उसको उसी दिन बेच भी सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। तो अभी हम इसको डिलीवरी में ही रखेंगे, फुल मार्जिन देंगे। ये हमने क्वांटिटी डाल दी है 50, यहाँ पर एक लोड बराबर 25 होता है, तो हमने यहाँ पर सीधी आपको क्वांटिटी ही डाली, तो 50 डाल दी है। और अभी हम इसको रिव्यू कर लेते हैं और स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने इसको जो मार्केट प्राइस है उस पर ही इसको बाई कर लिया है। अभी चलते हैं ट्रेड्स वाले सेक्शन में और हम चलते हैं ऑर्डर्स पर। तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये हमने बाई किया था 50 क्वांटिटी, और अभी हम पोजीशंस के अंदर आप जा सकते देखेंगे तो ये हमारा ये लॉस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये टोटल टुडे पे प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिखाता है। अभी हमको इसको सेल करना है तो हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप एग्जिट पे क्लिक करके और इसको यहाँ पर आप प्राइस डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप प्राइस डाल सकते हैं। यदि आपको सीधा मार्केट पे जो भी प्राइस चल रही है उस पर बेचना है तो आपको इसी पे क्लिक करके इसको हटा देना है इसको, और आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सीधा बेच सकते हैं। तो देखिए हमारा जो चार्जेस है वो अभी 23.69 रुपये तो ये है, उसके अलावा 23.69 रुपये ही हमारा बाइंग की साइड पर लगा होगा, तो ये टोटल चार्जेस लगे हैं। अभी हम इसको सेल पर क्लिक करते हैं, ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा आज का लॉस बुक हो चुका है। और तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ये हमारा बाई हुआ था और ये हमने सेल कर दिया, तो टोटल कंप्लीट हो चुका है। कोटक सिक्योरिटी का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोटक सिक्योरिटी के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंट्राडे के अंदर कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी है, चाहे आप स्टॉक्स के अंदर काम करें चाहे आप FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम करें, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कोटक एक ट्रस्टवर्दी बैंक भी है, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना।